हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ब्रीफली सेकेंडरी ग्रोथ एंड डाइकॉट स्टेम। तो यहाँ पे हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना अबाउट दी सेकेंडरी ग्रोथ एंड डाइकॉट स्टेम। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। तो डिस्कस करें यहाँ पे रिगार्डिंग दी सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ है ये अकर होती है मोस्ट ऑफ द डाइकॉट स्टेम्स में। क्या होता है विद जो सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज एंड पेरिडर्म इंक्रीज करते थे थिकनेस ऑफ ग्रीथ ऑफ द गर्थ ऑफ द स्टेम। सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज एंड पेरिडर्म पेरिडॉम ये इंक्रीज करते हैं दी थिकनेस और जो थिकनेस है थिकनेस को इंक्रीज करते हैं और गर्थ को इंक्रीज करते हैं ऑफ दी स्टेम। तो वेस्कुलर कैम्बियम और नॉर्मल वेस्कुलर कैम्बियम के एक्शन की वजह से जो नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है डाइकॉट स्टेम में ये इंक्रीज करते हैं डायमीटर ऑफ दी प्लांट स्टेम। तो जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं बंडल्स होते हैं डाइकॉट स्टेम में ही ऑर्गेनाइज होते हैं इन दी रिंग। एंड ये कैसे होते हैं वेस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। ओपन का मतलब क्या कैम्बियम जो है प्रेजेंट होती है कैम्बियम इज प्रेजेंट। तो जो फेसिकुलर और इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम होते हैं फेसिकुलर और इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम होते हैं ये कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में फेसिकुलर और इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम जो है प्रेजेंट होते हैं इन दी वेस्कुलर बंडल्स। तो कुछ सेल्स जो होते हैं मेडिकुलरी रेस के जो कि प्रेजेंट होते हैं बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स ये क्या हो जाते हैं मेरिस्मेटिक हो जाते हैं ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ एंड इसे क्या बोला जाता है इंट्रा वेस्कुलर कैम्बियम बोला जाता है। तो जो कैम्बियम रिंग है ये किससे बनी होती है इंट्रा वेस्कुलर एंड इंटर वेस्कुलर कैम्बियम दोनों से ही बनी होती है इंट्राफेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर दोनों से ही बनी होती है। टुगेदर ये फॉर्म करते हैं रिंग और सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये ट्रिगर होती है बाय कैम्बियम रिंग से ट्रिगर होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन सेकेंडरी ग्रोथ में थिकनेस और गर्थ इंक्रीज होती है। ओके आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।